आज आप लोगों को गुर्दे की पथरी के बारे में बताऊंगा, जो आजकल बहुत आम बीमारी हो गई है। हर गांव में 10-20 पेशेंट, हर घर में 2-1 पेशेंट आपको मिल रहे हैं, और डेली मेरे यहाँ कम से कम 40-45 पेशेंट डेली गुर्दे की पथरी के बना रहे हैं, जो आज आम बात हो गई है। और इसके बारे में मैं आज दवा के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। पहले तो ये जान लीजिए कि ये गुर्दे की पथरी बनती कैसे है। यह स्पेशली जो बन रही है वो कैल्शियम और ऑक्सैलेट, कैल्शियम ऑक्सैलेट, कैल्शियम फास्फेट, यह है जिस भी फूड में, खाने में, पानी में मिल रहा है उसे बहुत तेजी से फॉर्मेशन हो रहा है। और स्पेशली सबसे ज्यादा जो फॉर्मेशन हो रहा है वह कम पानी पीने से हो रहा है। हर पेशेंट को, हर आदमी को कम से कम 5-7 लीटर पानी पीना चाहिए, और जो ज्यादा ज्यादा पानी पीते हैं उनमें पथरी बनने की संभावना कम होती है। और इसमें इसके इलाज में अगर सक्सेस है, सफल है, तो सबसे ज्यादा होम्योपैथिक दवा सफल है। और आज के युग में सबसे इसका सफल इलाज और सस्ता इलाज है। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि इस दवा के इलाज में दाहिने साइड का भी फर्क पड़ता है, तो हमारे होम्योपैथिक में तमाम प्रकार की दवाएं मिलेंगी आपको। और जो सबसे सफल दवाएं हैं वो राइट साइड की अलग हैं और बाएं राइट लेफ्ट साइड की अलग हैं। तो दाहिने साइड में अगर गुर्दे में स्टोन है या फिर यूरेटर में स्टोन है तो उसके लिए दवाएं आसमम कैंडेंसिस है, सरसा पीला है, नक्स रूम है। बाएं साइड में या बाएं गुर्दे में या बाएं यूरेटर में स्टोन है, पथरी है, तो उसके लिए बारबेरिस वल्गैरिस है। होम्योपैथिक दवा सबसे अच्छी अगर मानी जाए तो होम्योपैथिक दवा में बारबेरिस वल्गैरिस है, जो पथरी के फॉर्मेशन को भी रोकती है। टेबैकम है, कैंथेरिस है, तमाम दवाएं हैं, लेकिन होम्योपैथिक में यहाँ पे सिमिलर सिम्टम चाहिए, यहाँ पे लक्षण के आधार पर दवाएं दी जाती हैं, इसलिए सबसे बड़ा महत्व होता है लक्षण। अगर पथरी फॉर्मेशन हो जाती है तो सबसे पहले पेशेंट को होम्योपैथ चिकित्सक के पास जानी चाहिए। जैसे आपके सामने मेरे पास एक पेशेंट बैठा हुआ है, आज कम से कम 10 साल पुराना इसका स्टोन है, पथरी है, और मैं आपको दिखा रहा हूँ। इस पथरी को आप देखें तो इसका राइट साइड दाहिने यूरेटर में दिखाई दे रहा है आपको, स्टोन है जो 8 mm का है, 8 साल पुराना है, और मात्र 2 महीने में इसकी पथरी बाहर निकल गई। बहुत गरीब घर का बच्चा था और इसका सफल इलाज किया गया, 2 महीने के अंदर पथरी खत्म हो गई। कहाँ घर बेटा, अपना नाम बताओ। नाम बताओ। इनका नाम गब्बर सिंह है और ये कप्तानगंज के रहने वाले हैं। ये बहुत ही गरीब घर का लड़का था, इसकी पथरी मात्र 2 महीने में निकल गई, खत्म हो गई। और तुम्हारी बेटा कितने दिन में पथरी निकली है? 2 महीने में। तुम्हारा फ्री इलाज हुआ कि नहीं हुआ? यहाँ से हुआ। फ्री इलाज हुआ, क्योंकि ये गरीब घर का बच्चा था इसलिए इसका फ्री इलाज हुआ। इसलिए सारे पेशेंट, सारे आदमी को कम से कम 5-7 लीटर डेली पानी पीना चाहिए। और अगर पथरी से छुटकारा पाना है, पथरी फॉर्मेशन ना हो, पथरी ना हो, तो डेली पानी खूब ज्यादा पिए, जिससे कैल्शियम ऑक्सैलेट फास्फेट ज्यादा बनता है, उस चीज का खाना पीने में कम खाएं। सबसे बड़ा परहेज है कि जिन लोगों को पथरी हो चुकी है, चाहे वो गुर्दे में हो, चाहे वो पित्त की थैली में हो, इन लोगों को कुछ ऐसी चीजें नहीं खाना चाहिए जिससे पथरी बहुत तेजी से बढ़ती है। जैसे पहले नंबर पे है टमाटर, दूसरे नंबर पे है पालक, यानी कोई भी ग्रीन वेजिटेबल, लीफ वाली, पत्ते वाली कोई भी सब्जी ना खाएं। जैसे उसमें मूली भी हुई और पालक हुआ, चौराई, जितनी भी हरी चीजें हैं उसको ना लिया जाए। मित्रों, सबसे बड़ी खासियत यह है कि जब भी किसी को फॉर्मेशन पथरी का हो तो सबसे पहले होम्योपैथ चिकित्सक से सलाह लेना चाहिए। आप और है तो सर्जरी लास्ट सीट, उससे पहले जल्द मिलें। धन्यवाद। इसी के साथ डॉक्टर एस सी सैनी।